हेलो दोस्तों, इज़राइल दुनिया का इकलौता यहूदी बहुल देश है। ये यहूदी और ईसाई दोनों धर्मों का जन्मस्थान है। इज़राइल आधिकारिक तौर पर स्टेट ऑफ इज़राइल के रूप में जाना जाता है, जो पश्चिम एशिया में स्थित है। ये लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट और फिलिस्तीनी क्षेत्र, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी के साथ सीमा साझा करता है। इस पूरे क्षेत्र को लेवांट के नाम से जाना जाता है। तेल अवीव इसराइल का आर्थिक और तकनीकी केंद्र है, जबकि इसकी सरकार और घोषित राजधानी जेरूसलम है। मैं शुरुआत करूंगा 1047 ईसा पूर्व में इसराइल साम्राज्य के गठन से। इस राज्य का पहला राजा था सॉल। इस राज्य के भविष्य के राजा डेविड और सोलोमन होते हैं, जो बाइबल की कहानियों में बहुत प्रसिद्ध है। डेविड और सोलोमन दोनों को यहूदी, ईसाई और इस्लामी ग्रंथों में व्यापक रूप से संदर्भित किया गया है। सोलोमन ने 957 ईसा पूर्व में जेरूसलम में एक मंदिर बनवाया, जिसे प्रथम मंदिर के रूप में जाना जाता है। 931 ईसा पूर्व में सोलोमन की मृत्यु के बाद यह राज्य विभाजित हो जाता है इसराइल के उत्तरी साम्राज्य और जूडा के दक्षिणी साम्राज्य में। 720 ईसा पूर्व में न्यू असीरियन साम्राज्य द्वारा इसराइल के साम्राज्य पर विजय प्राप्त की गई। इसराइल राज्य की आबादी को निर्वासित कर दिया गया और वे जूडा के राज्य में बस गए। जूडा साम्राज्य 586 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रहा, जब इसे न्यू बेबिलोनियन साम्राज्य द्वारा जीत लिया गया। बेबिलोन ने जेरूसलम को लूट लिया और सोलोमन के मंदिर को नष्ट कर दिया था और इस राज्य के लोगों को निर्वासित कर दिया गया। 538 ईसा पूर्व में पर्शियन अकेमेनिड साम्राज्य के राजा साइरस ने न्यू बेबिलोनियन साम्राज्य पर विजय प्राप्त की। साइरस ने अपने साम्राज्य में धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। इसराइल के निर्वासित लोग जेरूसलम लौटने में सक्षम थे और उन्होंने सोलोमन के मंदिर का पुनः निर्माण किया, जिसे दूसरा मंदिर कहा जाता है। मैसेडोन के ग्रीक साम्राज्य में अलेक्जेंडर राजा बनता है और उन्होंने 331 ईसा पूर्व में गौगामेला की लड़ाई में पर्शिया को हरा देते हैं और पूरे अकेमेनिड साम्राज्य पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। अलेक्जेंडर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबिलोन में हुई और उनकी मृत्यु के बाद उनके साम्राज्य को उनके सेनापतियों के बीच बट जाता है। इसराइल, जो जूडिया के नाम से जाना जाता था, उसका क्षेत्र सेल्यूसिड साम्राज्य और टॉलेमाइक साम्राज्य के बीच की सीमा बन जाती है, लेकिन यह 200 ईसा पूर्व में सेल्यूसिड साम्राज्य के नियंत्रण में आ जाता है। सेल्यूसिड राजा एंटियोकस एपिफेन्स ने यहूदी धर्म को मिटाने की कोशिश की। इसके कारण 167 ईसा पूर्व में मैकेबियन विद्रोह हुआ। ग्रीक्स की हार हुई और इस विद्रोह में यहूदी लोगों के लिए एक सफलता थी। यहूदी लोगों ने एक नए स्वतंत्र राज्य का गठन किया, जिसे जूडिया के हैस्मोनियन साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। यह साम्राज्य 63 ईसा पूर्व तक स्वतंत्र रहा, जब इसे रोमन्स ने जीत लिया था। रोमन्स ने इसे रोमन जागीरदार राज्य के रूप में बनाया। 37 ईसा पूर्व में हेरोड द्वारा हैस्मोनियन साम्राज्य को समाप्त कर दिया जाता है और हेरोडियन साम्राज्य का गठन होता है। यह रोमन्स के अधीन एक जागीरदार राज्य था। इसी समय जीसस का जन्म बेतलहम शहर में होता है और उन्हें 25 और 35 ईस्वी के बीच में रोमन गवर्नर पॉन्टियस पायलट द्वारा मार दिया जाता है। जीसस के 12 अनुयायी जो यहूदी थे, उन्होंने एक नए धर्म, ईसाई धर्म के निर्माण पर काम किया। यहूदी पूरे रोमन साम्राज्य के आबादी का 10% हिस्सा था। 66 ईस्वी में यहूदियों ने रोमन्स के विरुद्ध एक विद्रोह शुरू किया, जिसे यहूदी रोमन युद्धों की शुरुआत हुई। 135 ईस्वी में यहूदियों की हार हुई और यह हार यहूदियों के लिए एक बहुत बड़ी आपदा थी। जेरूसलम और उनके मंदिर को रोमन्स ने नष्ट कर दिए और यहूदियों को निर्वासित कर दिया गया। यहूदी रोमन साम्राज्य में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक बन गए। कई यहूदी
बगल के ससानियन साम्राज्य में भाग गए, जो अधिक धार्मिक सहिष्णु थे। 380 ईस्वी में रोमन सम्राट थियोडोसियस प्रथम ने ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का आधिकारिक धर्म बना दिया। 395 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद रोमन साम्राज्य पश्चिम रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य या बिजेंटिन साम्राज्य में विभाजित हो गया। ईसाई धर्म तेजी से पूरे साम्राज्य में फैल गया। यहूदियों की संख्या 10-15% थी। यहूदियों पर प्रतिबंध धीरे धीरे बढ़ते गए, जैसे उनके मंदिर बनाने पर प्रतिबंध लगाना और उन्हें उच्च पद पर स्थान देना। बेन हुशियल रोमनों के खिलाफ यहूदी विद्रोह के लीडर बने। 611 ईस्वी में ससानिड राजा खोसरो द्वितीय ने बिजेंटिन साम्राज्य पर आक्रमण किया और 614 ईस्वी में जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। यहूदी लोगों ने ससानिड की मदद की और बेन हुशियल को जेरूसलम का राज्यपाल बनाया गया। लेकिन 628 ईस्वी में ससानियों ने शांति संधि के अनुसार जेरूसलम को बिजेंटिन्स को वापस कर दिया। बिजेंटिन्स द्वारा जेरूसलम को वापस लेने के बाद उन्होंने यहूदियों का नरसंहार किया और उन पर प्रतिबंध लगा दिया। 7वीं शताब्दी के दौरान अरब में एक नए धर्म इस्लाम का जन्म हुआ। राशिदुन खलीफा के नए इस्लामी साम्राज्य का तेजी से विस्तार हुआ। 635 ईस्वी में राशिदुन खलीफा ने लेवंट पर विजय प्राप्त की और उन्होंने इसे बिलाद अल शम का अपना प्रांत बनाया। 661 ईस्वी में उमैयद खलीफा नया इस्लामिक साम्राज्य बना। 691 ईस्वी में उमैयद खलीफा अब्दुल मलिक ने टेंपल माउंट पर डोम ऑफ द रॉक और फिर 705 ईस्वी में अल अक्सा मस्जिद का निर्माण किया। टेंपल माउंट को यहूदी, ईसाई और इस्लाम इन तीनों के लिए यह सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। 11वीं शताब्दी के मध्य में एक नए इस्लामिक तुर्की साम्राज्य, जिसे ग्रेट सेल्जुक एम्पायर कहा जाता है, पश्चिम एशिया पर विजय प्राप्त की। 1071 ईस्वी में मैंजिकर्ट की लड़ाई में सेल्जुक सेना ने बिजेंटिन्स को हरा दिया और इस हार के बाद धर्मयुद्ध, जिसे इंग्लिश में क्रूसेड्स कहा जाता है, इसकी शुरुआत हुई। यूरोप से ईसाई सेना इस्लामी साम्राज्यों से लड़ने के लिए आई। 1099 ईस्वी में प्रथम क्रूसेड की समाप्ति के बाद ईसाई सेना ने जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। शहर की यहूदी और मुस्लिम आबादी दोनों का नरसंहार किया गया और फिर यहां एक नए ईसाई साम्राज्य का गठन किया गया, किंगडम ऑफ जेरूसलम। 1187 ईस्वी में हैतिन की लड़ाई में अयूबिद सुल्तान सलादीन ने ईसाई सेना को हरा दिया था। सलादीन ने जेरूसलम शहर पर कब्जा कर लिया, लेकिन उन्होंने शहर के गैर मुस्लिम आबादी को नहीं मारा। 1250 ईस्वी में इजिप्ट के मामलुक सल्तनत का गठन किया गया और 1291 ईस्वी में मामलुक सल्तनत ने अंततः जेरूसलम के राज्य को हराकर क्रूसेड्स को समाप्त कर दिया। इस हार के बाद यूरोप में यहूदियों का उत्पीड़न और निष्कासन बढ़ गया और 14वीं शताब्दी के दौरान ब्लैक डेथ रोग, जिसने यूरोप की आधी आबादी को खत्म कर दिया था, इसके लिए यहूदियों को दोषी ठहराया गया और बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, स्पेन और जर्मनी के यहूदी समुदायों को नरसंहार किया गया। 1299 ईस्वी में एनाटोलिया में ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना हुई। यह साम्राज्य तेजी से अपने क्षेत्रों का विस्तार कर रहा था। 1517 ईस्वी में सुल्तान सलीम के अधीन ऑटोमन्स ने मेमलुक सल्तनत को हरा दिया और उनके प्रांत बिलाद अल शम ऑटोमन साम्राज्य के अधीन आ गया। ऑटोमन्स ने इसे डमास्कस एयलेट का प्रांत बनाया। ऑटोमन्स ने यूरोप में उत्पीड़ित यहूदियों का स्वागत किया और कई यहूदी यूरोप से भागकर यहां आकर बस गए। आगे जाकर ऑटोमन सुल्तान सुलेमान ने जेरूसलम की वर्तमान दीवारों का निर्माण किया। 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्टे का उदय हुआ। 1798 में नेपोलियन ने इजिप्ट और सीरिया में ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ अपना अभियान शुरू किया। 1799 में उसने इजिप्ट पर कब्जा कर लिया और फिर यहूदी लोगों के लिए एक अलग राज्य बनाने की योजना बनाई।
लेकिन कुछ ही दिनों बाद एकर की लड़ाई में नेपोलियन की हार हुई और यहूदियों के लिए एक अलग राज्य बनाने की योजना रद्द कर दी गई। 1897 में स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में पहली जियोनिस्ट कांग्रेस का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता थियोडोर हर्जल ने की, जो एक ऑस्ट्रो-हंगेरियन पत्रकार, राजनीतिक कार्यकर्ता और लेखक है। उन्होंने जियोनीवाद की अवधारणा की और जियोनीवाद का लक्ष्य यहूदी लोगों के लिए एक मातृभूमि की स्थापना करना था। थियोडोर हर्जल ने यहूदी राज्य बनाने के प्रयास में जियोनी संगठन का गठन किया और यहूदी आप्रवासन को बढ़ावा दिया। थियोडोर हर्जल को इसराइल के राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। एक अलग यहूदी देश बनाने के प्रयास का ऑटोमन साम्राज्य ने विरोध किया था। कुछ सालों बाद 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया और ऑटोमन साम्राज्य जर्मन साम्राज्य के पक्ष में शामिल हो गया। 1917 में ब्रिटिश विदेश मंत्री आर्थर बाल्फोर ने यहूदी समर्थन के बदले में एक यहूदी मातृभूमि का वादा करते हुए एक पत्र लिखा और उसी तरह उन्होंने अरबों का समर्थन देने का भी एक वादा किया जो ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद मिडिल ईस्ट को ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच विभाजित किया जाता है और यह क्षेत्र ब्रिटिश मैंडेट के अधीन आ गया। सैकड़ों और हजारों यहूदी वादा किए गए यहूदी देश में आकर बस गए। लेकिन फिर सितंबर 1939 में वर्ल्ड वॉर टू छिड़ गया। युद्ध के दौरान लगभग 6 मिलियन यहूदी मारे गए। 1945 में वर्ल्ड वॉर टू युद्ध की समाप्ति हुई और हजारों यहूदी वादा किए गए देश में आए। यहूदी आबादी की वृद्धि ने यहूदी और अरबों के बीच तनाव बढ़ गया। यूनाइटेड नेशंस ने इस क्षेत्र को 2 राज्यों, एक अरब राज्य और एक यहूदी राज्य में विभाजित कर देता है। जेरूसलम को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के रूप में विशेष दर्जा दिया जाता है। इस प्रस्ताव को यहूदियों ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन अरबों ने इसे अस्वीकार कर दिया। 14 मई 1948 को अंग्रेज इस क्षेत्र से हट गए और फिर यहूदियों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और इसराइल राज्य की स्थापना की। डेविड बेन गुरियन इसराइल के पहले प्रधानमंत्री बने। इसके जवाब में अरब देशों ने 1948 में युद्ध की घोषणा कर दी। यह प्रथम अरब इसराइल युद्ध की शुरुआत थी। शुरुआती नुकसान के बाद जीत इसराइल के पक्ष में बदल गया। उन्होंने अरब सेनाओं को खदेड़ दिया और कुछ अरब क्षेत्रों पर भी विजय प्राप्त कर ली। इसराइल ने पश्चिमी जेरूसलम को अपने कब्जे में ले लिया, जबकि इजिप्ट ने गाजा पट्टी पर और जॉर्डन ने वेस्ट बैंक को अपने कब्जे में ले लिया। 700,000 से अधिक अरब इजरायली क्षेत्र से भाग गए और उसी तरह अरब देशों में यहूदी समुदाय के लोग इजरायल चले गए। 1967 में बढ़ते तनाव ने 6 दिवसीय युद्ध की शुरुआत की। इजरायल ने इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया पर युद्ध की घोषणा कर दी। इजिप्ट के सीनाई क्षेत्र, सीरिया से गोलन हाइट्स और जॉर्डन से वेस्ट बैंक को जीतकर इजरायल युद्ध जीतता है और अपने आकार को 3 गुना कर देता है। कई इजरायली फिलिस्तीनी क्षेत्र में चले गए और वहां बस जाते हैं। 1973 में अंतर्राष्ट्रीय दबाव में इजरायल ने सीनाई इजिप्ट को और गोलन हाइट्स का थोड़ा हिस्सा सीरिया को वापस कर देता है। लेकिन बहुत सारे इजरायली लोग फिलिस्तीन में बस जाते हैं। 1980 में इसराइल ने जेरूसलम को अपनी राजधानी बना देते हैं और फिर वेस्ट बैंक के अधिकांश हिस्से पर इजरायली सेना का कब्जा होता है और यह इजरायल फिलिस्तीनी संघर्ष की शुरुआत का प्रतीक है जो आज भी जारी है।